बानी पाकिस्तान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जाती नौयत के वाके को लसानी रंग देकर अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। देखने में आया कि पोटेंशियल मौजूद है हर तरह के क्राइसिस का, राइट्स का, एथनिक और सेक्टेरियन। पाकिस्तान बनने के बाद कराची में मजहबी फसादात भी हुए, फिरका वाराना फसादात भी हुए और लिसानी फसादात भी हुए। वही एक रीज़न है, लोकल बॉडीज इलेक्शन बहुत करीब है कराची और हैदराबाद में। माश ही जो है झगड़ा कराती है और माश ही लोगों को जोड़ के रखती है कि जो भी इस किस्म की कोई लसानियत की हवा देगा वो हम में से नहीं है। पाकिस्तान में नस्ली और लिसानी फसादात मतलब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एक बदसूरत लेकिन बार बार सामने आने वाली हकीकत है। अवामी रहनुमा जब अवाम के देरीना और बुनियादी मसाइल हल करने से या कासिर रह जाते हैं या करना नहीं चाहते तो वो अपनी बददियानती और नाअहली को छुपाने के लिए दूसरी अकवाम पर इल्ज़ामात डालते हैं कि वो हमारा हक छीन रही है। ये नफ़रतें सालों और दहाइयों पनपती रहती हैं और फिर अचानक एक अलहदा आइसोलेटेड वाक़या पेश आता है और नफरतों के बिल उबल पड़ते हैं। हमारा बंदा जख्मी भी कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पर। ये नफरतें सिर्फ कराची, सिंध, पाकिस्तान या बरेसगीर तक महदूद नहीं है बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया के हर खित्ते को मुतवातिर अपनी जद में लिया है। लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान की हदूद में बात करते हैं। पहले तो ये सरगोशियों में नफरतें फैलाई जाती थी और ग्रोहों के दरमियान रहती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के फैलाव ने भी इस आग को नया ईंधन फराहम किया है। ये जो हैदराबाद में वाकया हुआ था वो भी जाती नौयत का वाकया था। बल्दियाती इंतखाबात होने वाले, उसमें ये लसानी रंग काम आएगा। उनके जो लसानियत की सियासत करते हैं, आगे आम इंतखाबात आने वाले हैं उनको ये काम आएगा। भाई एक आदमी जिसकी कोई मेरिट ही नहीं है, सिर्फ इसलिए उसे वोट दिया जाए कि वो फिलहाल ज़बान बोलता है। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना तो कराची में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ जो कि बड़ा खौफनाक था, जिसको देख के बानी पाकिस्तान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। बाद में 60 में पठान और महाजिरों के दरमियान फसाद हुआ, फातमे जना के इलेक्शन के बाद। दीदी की 72 में जब सिंध असम्बली ने सिंधी को सिंध की ज़बान बनाया तो उस वक्त खासे खून रेस फसादात हुए। सिंधी महाजिर 10-15 दिन तक शहर, न सिर्फ कराची शहर बल्कि अंदरूनी सिंध भी खासी गड़बड़ रही। बाद में भुट्टो साहब ने एक एग्रीमेंट करा दिया। 86 में फसादात हुए, बुशरा जैदी का जो हादसा था, एक एक्सीडेंट होता है, एक कॉलेज की तालबा उस एक्सीडेंट में मर जाती है। वो लोकल कम्युनिटी की लड़की थी और जो ट्रांसपोर्टर्स थे वो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, उसको बेस बना के जो है एक बड़ा शहर में एथनिक क्राइसिस पैदा हुआ, बहुत बड़ा क्राइसिस। और एथनिक क्राइसिस की बुनियाद पे एक पार्टी ने जन्म लिया और वो पार्टी जो है इलेक्शन, ना सिर्फ वो इलेक्शन जीती बल्कि उसके बाद बहुत सारे इलेक्शन जीते उसने। और उसी तरह जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी इससे पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया। पठान महाजिर फसादात हुए, उसके बाद फिर हैदराबाद में फायरिंग हुई उर्दू बोलने वालों पे, तो सिंधी महाजिर फसाद हुए। एक इलेक्शन से पहले जो है हैदराबाद में एक वाक़ा होता है जिसको पक्का किला का नाम दिया गया है, और उस वाक़े के बाद जो है वो लोकल और नॉन लोकल और या उर्दू या सिंधी स्पीकिंग का एक झगड़ा बड़ा डेवलप होता है। अब ये जो हुआ है फसाद, ज़ाहिर है ये बहुत मुख्तसर है मगर खासे अरसे बाद हुआ है। जो हैदराबाद में हुआ ये पठान सिंधी फसाद था, इससे पहले पठान सिंधी फसाद इस तरह ना हुआ। कहीं जाती मामलात होते हैं, कहीं गुरुवी होते हैं, बुनियादी तौर पर ही माशी मामलात होते हैं। सिंधी महाजिर फसाद हुआ हैदराबाद में, मगर गरीब सिंधी को भी उसी बाज़ार में काम करना था, गरीब महाजिर को भी, तो वो जो उनके माशी रिश्ते थे उन्हें उन्होंने फिर जोड़ गए। पॉलिटिकल इंटरेस्ट बीच में आता कैसे है? अयूब खान के दौर में जब ये एक फसाद हुआ पश्तून और नॉन पश्तून या उर्दू स्पीकिंग का, उसके बाद जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए उसमें बाकायदा इस तरह की चीज़ें देखी और मुस्लिम लीग, उस वक्त की जो मुस्लिम लीग थी या उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी थी, उसने इसको कैश कराया। इसको परमानेंट डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है और ये परमानेंट डिफ्यूज़ उस वक्त होगा जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस या हमारे जो अदलिया हैं वो अपना रोल प्ले करेंगी। बदकस्मती से ये सारे काम नहीं हो रहे। चाहे ये फसादात और वाकयात अलग अलग अदवार में अलग अलग मकामात पर पेश आए, चाहे इनके मुर्तकिबीन और इनके मुतासरीन अलहदा अलहदा लोग हों, चाहे इनके कातिल और मकतूलीन का रंग व नस्ल कुछ भी हो, लेकिन इन सब में जिम्मेदारी आयद होती है सिर्फ रियासत और रियासती इदारों पर, जो या तो फिर अपने मफादात को हासिल करने के लिए नफरतों को हवा देते हैं और या चाहे इनको रोकने में कासिर रहकर अपनी नाअहली का सबूत पेश करते हैं। और इसका नतीजा सिर्फ एक ही निकलता है, मजीद नफरतें और मजीद खून।